हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम यहाँ पे है गुवाहाटी में। एक्चुअली भाई आया था त्रिपुरा से, तो उसको लेके थोड़ा घूमने के लिए आया था। तो फिर हमारा शाम को हुआ मूवी के लिए प्लान। तो मूवी के प्लान होने की वजह से हम सब रेडी हो चुके थे। तो दीदी, मैं, जीजी और जीजी का हस्बैंड सब चले गए थे। इधर देखो, उन लोगों के गली में फिर से मुझे आना पड़ा। दिस इज़ द मोस्ट वर्स्ट थिंग, बट इट्स ओके। मेरी दीदी भी तो यहीं पे रहती है, इट्स ओके फाइन। तो हम चले मेन रोड तक, क्योंकि हमने उबर बुक कर लिया था। यहाँ पे बाहर आने हो चुके हैं रेडी। और उस दिन के बाद ही हमारा थीम था ब्लैक एंड रेड। तो हम सब ने ब्लैक एंड रेड पे कुछ ड्रेसेस पहन लिया। और यहाँ पे भाई सबको रास्ता पार कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद आ चुके थे हमारा उबर। देन हम उसमें बैठ के हम चले सीधा सिनेमा हॉल तक। तो सिनेमा हॉल तक जाने के टाइम तक थोड़ा तो मुझे भूख लगी थी, बट मैंने कुछ खाया नहीं। पूरा खाना मैंने सिनेमा देखने के बाद किया। और हम सिटी सेंटर में गए थे, चले वहाँ पर हम टीवी पे हमने मूवी देखी। और हमने देखा था बहुत ही अच्छा सुंदर सुशील एक मस्त मूवी, जिसका नाम आप लोग खुद देख लीजिए। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी तो गैस तो ज़रूर कर पाएंगे। और इधर मोटो सबको ले चलते हुए सब, मतलब खुद सारा बन के, और मैं और दीदी पीछे पीछे से आ रहे थे। जस्ट बिकॉज दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे। एंड दैट इज़ वाई दोनों का भी छोड़ के पूरी तरह से अंदर चल चुके थे। तो सिटी सेंटर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, क्योंकि कुछ नई मूवी रिलीज हो चुकी थी। और शॉपिंग का भी टाइम था। एक्चुअली विंटर सीजन, पिकनिक सीजन है, तो सब लोग शॉपिंग के लिए यहाँ पे आ चुके थे। और यहाँ पे चेकिंग होती है, तो यह इट्स अ गुड प्रोसेस आई थिंक। तो चेकिंग वेकिंग होने के बाद हम थोड़ा घूमे फिरे। मतलब दिस इज माई फर्स्ट टाइम, मैं सिटी सेंटर पहली बार गई थी, क्योंकि गुवाहाटी में आई थी। बट मेरे छोटे मोटे काम की वजह से एक दो दिन तक रुक के मैं चल जाती हूँ, और शॉपिंग वॉपिंग करने का टाइम नहीं मिलता। और थोड़ा कुछ मैं फैंसी तक चली जाती हूँ, बट शॉपिंग नहीं हो पाती क्योंकि जीजू के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। फिर हमने ऊपर से थोड़ा क्लिप ले लिया। यहाँ पे आई थिंक छोटा मोटा कैफेटेरिया है, वहाँ पे सब लोग अपना स्नैक्स ले रहे थे और हम ऊपर से देख रहे थे। तो ये जगह भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और यह इस जगह पे हर एक फेस्टिवल में कुछ अलग अलग थीम बना कर रखते हैं। फिर हमने थोड़ा घूमने किया। एंड देन वी क्लिक पिक्चर्स सो मेनी। तो उसके बाद हम चल पड़े सीधे एक मतलब मॉल टाइप का है, छोटा मोटा सा। तो उसके अंदर जाके उन लोगों को कुछ लेना था, बट जो बेसिकली उन लोगों ने लिया नहीं। तो हम मतलब धीरे धीरे जा चुके थे, इसी तरह मैं उन लोगों के पीछे चल रही थी, क्योंकि ये मतलब बहुत मतलब हम पूरा एकदम सबसे ऊपर वाला मोहल्ले में चले गए, क्योंकि दीदी और भाभी था। तो धीरे धीरे हम चले गए थे पॉपकॉर्न सैंडविच लेने। फिर हमारा टिकट दिखाया गया, फिर हम अंदर चले गए। अंदर इतना अंधेरा था कि मैं खुद को नहीं देख पा रही थी। तो मूवी हो चुकी थी शुरू, क्योंकि मूवी में भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि मैं जीजू को बिल्कुल बिलीव नहीं करती। उनको मैंने बोला था कुछ मूवी का टिकट कटने के लिए, फिर जो मुझे ट्रेलर दिखाई दिया, मैंने सोचा उन्होंने वो वाली मूवी का टिकट कट लिया। एक्चुअली रेड 2 का टिकट उन्होंने काट लिया था शायद, मुझे लगा था मतलब ट्रेलर देखे। बट उसके बाद जो मूवी हमें देखना था हमने देखा, एंड देट वॉज राम सेतु। इट वॉज अ काइंड ऑफ गुड मूवीज, बट उतना भी अच्छा नहीं लगा था क्योंकि ग्राफिक्स बिल्कुल ख़राब था। फिर दीदी और जीजू फिर से लेने गए थे पॉपकॉर्न, एंड हमने ले लिया एक छोटा मोटा ब्रेक इंटरवल के टाइम। तो यहाँ पे खा रही है सब पॉपकॉर्न, बट मुझे किसी ने दिया ही नहीं, फिर मैंने खुद लेके खा लिया। फिर हो चुकी थी मूवी ख़त्म। मूवी ख़त्म होने के बाद तो मतलब जीजू को बोले थे कि धीरे धीरे जाओ, सबके जाने के बाद जाएंगे, पर नहीं, जीजू को सबसे पहले जाना था। जीजू उठ के सीधा बाहर चले गए थे। और यहाँ पे जीजी बोल रहे थे धीरे चलो धीरे चलो, पर जीजू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं सबके पीछे थी क्योंकि मुझे लेना था क्लिप। और यहाँ पे पता नहीं मैं क्यों चिल्ला रही थी, मैं खुद भूल चुकी हूँ, ओह शायद मुझे भूख लगी थी इसलिए।
तो उसके बाद पूरा पूरी हम बाहर जा चुके थे। देखो मेरा कैमरा, मैं हमेशा कैमरा ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत शर्म आती है, मतलब लोगों के सामने कैमरा उठाओ। ओ गॉड। और यहाँ पे ना हम लिफ्ट में चले गए थे, बट मैंने तब भी कैमरा ऐसे रखा क्योंकि बहुत सारे लोग थे और इट वॉज एक्सट्रीम भीड़। तो मैंने सोचा यार क्यों मतलब बेइज्जत करना है, ठीक है ना। फिर इन लोगों का क्लिप मैंने थोड़ा ले लिया। फिर हमारा मूवी ख़त्म होते होते पूरा का पूरा सिटी सेंटर मतलब बंद हो चुका था, जस्ट प्रीवियर ही चल रहा था। तो यहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारे क्लिक पिक्चर क्लिक किया। दैट इज़ इट। तो ये था वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।